तो नॉर्मली हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि पहला न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है और ऐसे हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है नर्व्स के थ्रू। तो माइग्रेन में बंदे को सिर के एक साइड पे दर्द होता है, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि माइग्रेन भी ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर के बढ़ने की वजह से हो जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर डीएनए में म्यूटेशंस की वजह से बढ़ जाता है और इस वजह से ब्रेन की ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है और इसी वजह से माइग्रेन होता है। इन म्यूटेशंस की वजह से और भी सिम्टम्स आते हैं जो जनरली तुम्हें माइग्रेन के साथ दिखेंगे, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, एंग्जाइटी, एपिलेप्सी। तो आपने देखा होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं जनरली इनमें से कोई एक अगर आपको माइग्रेन है तो आपके साथ भी होता होगा। माइग्रेन में कई पेशेंट्स को नॉइस और लाइट की सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब कि जब उनको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है तो उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो लाइट में भी नहीं बैठ पाते। ये बात समझनी ज़रूरी है कि इस माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर वो पर्सन करेगा तो माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ट्रिगर्स स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोना या कम सोना, कई खाने की चीज़ें, वेदर का चेंज होना, ऐसे और भी बहुत से ट्रिगर हो सकते हैं। और अगर आपको माइग्रेन है तो आपको अपने ट्रिगर्स खुद पहचानने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, माइग्रेन के अटैक से बचने के लिए आप जितना हो सके इन ट्रिगर्स को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको माइग्रेन का अटैक आता है।